ભવ્ય ભારતના નિર્ણાયક નેતૃત્વ કર્તવ્યના પથદર્શક આદરણીય વડાપ્રધાન માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને પોતાના ગૌરવવંતા ઉદબોધન ગુજરાતના પનોતા પુત્રને આપણે સાંભળીએ. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. મંચ પર બિરાજમાન ગુજરાત કે લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી, રાજ્ય સરકાર મેં મંત્રી શ્રીમાન ઈશ્વરભાઈ પરમાર, રાજ્ય સરકાર મેં મંત્રી ભાઈ કિશોર કાનાણી, સંસદ મેં મેરે સાથી શ્રી સી આર પાટિલ, શ્રીમતી દર્શનાબહેન જરદોશ, શ્રી પ્રભુ વસાવા, મેયર જગદીશભાઈ ઓર વિશાળ સંખ્યા મેં પધારે હુએ સુરત કે મેરે પ્યારે ભાઈ ઓર બહેનો, કેમ છો બધા? હમણાં તો પોંખની સિઝન ચાલતી હશે, ગારી ગઈ નથી કે પોંખ આવ્યો નથી કે ઊંધિયું ચાલે છે? હમણાં આજ પૂજ્ય બાપુ કી પુણ્યતિથિ હૈ ઓર આજ મેં ઇસકે બાદ દાંડી મેં બાપુ કે નમસ્ત સત્યાગ્રહ કો લેકર બને રાષ્ટ્રીય નમક સત્યાગ્રહ સ્મારક કા લોકાર્પણ કરને વાલા હું. કર્મયોગીઓ કે શહેર સુરત સે મેં બાપુ કો શ્રદ્ધા સુમન કરતા હું, ઉને અર્પિત કરતા હું. સુરત કા બાપુ કે નમક સત્યાગ્રહ સે બહોત ગહરા નાતા રહા. સુરત કે સેંકડો સગરા સત્યાગ્રહી તો બાપુ કે સાથ જુડે હી થે, સાથ મે યે દેશ કે ઉન પહેલે સેન્ટર્સ મે સે એક થા જહાં દાંડી માર્ચ સે ભી પહેલે નમક કાનૂન કા વિરોધ કિયા ગયા થા. યે સુરત ને કિયા થા. સુરત ને ગાંધીજી કે મૂલ્યો કો હમેશા સે સમ્માન દિયા. સ્વચ્છતા હો, સ્વાવલંબન હો યા ફિર સ્વદેશી, ગાંધીજી કે દર્શન કો સુરત ને જમીન પર ઉતારા હૈ. ઓર મુજે ખુશી હૈ, મેં દેખ રહા હું ધવલ કી પૂરી ટીમ, ધવલ મુજે મિલા થા દિલ્હી મેં, ઇન સારે નવજવાન, કોઈ એન્જિનિયર હૈ, કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હૈ, કોઈ શિક્ષક હૈ, કોઈ વ્યાપારી હૈ, મન મેં ઠાન લીએ સફાઈ કા કામ કરેંગે. ઓર ઉન્હોને સફાઈ કે લીએ અપને આપ કો સમર્પિત કિયા હૈ. મેં ઇન સભી નવજવાનો કો બધાઈ દેતા હું. આજ હીરે ઓર કપડે કે સાથ સાથ અનેક છોટે છોટે ઉદ્યોગો સે મેક ઇન ઇન્ડિયા કો યે શહેર સશક્ત કર રહા હૈ. સાથીઓ, સુરત કી સ્પિરિટ કો ઓર મજબૂતી દેને કે લીએ આજ સેંકડો કરોડ રૂપિયે કે પ્રોગ્રેસ કા ઉદ્ઘાટન ઓર શિલાન્યાસ કિયા ગયા હૈ. ઇસમેં સુરત એરપોર્ટ કા વિસ્તારીકરણ તો હૈ હી, સાથ મેં શહેર કો સ્માર્ટ બનાને કે લીએ દર્જનો પ્રોજેક્ટ કા ઉદ્ઘાટન ઓર શિલાન્યાસ ભી કિયા ગયા હૈ. વિકાસ સે જુડે ઇન સભી પ્રોજેક્ટ કે લીએ
मैं सूरत वासियों को, हमारा हुर्ती भाइयों ने, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी सरकार देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई संस्कृति विकसित करने में जुटी है। इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी के विकास पर बल, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। सूरत तो देश के उन शहरों में है जहां विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही हमारी अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाता है। हाल में आई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बारे में हर सूरती जानता है, लेकिन शायद देशवासियों को पता नहीं होगा। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 10-15 वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले टॉप 10 शहरों में, दुनिया के टॉप 10, ये सारे के सारे 10 हिंदुस्तान के हैं। और खुशी की बात है, इसमें भी सबसे टॉप पर कौन है? सूरत को गर्व हो रहा है, सूरत को बधाई। यानी स्पष्ट है कि आने वाला समय सूरत का है, भारत के शहरों का है। ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों के सेंटर होने वाले हैं। यहां दुनिया भर से निवेश होने वाला है, व्यापार और कारोबार कई गुना बढ़ने वाला है, लाखों युवा साथियों को रोजगार के अवसर बनने वाले हैं। साथियों, जब दुनिया भारत के शहरों को लेकर इतनी आशावादी है, तो ये हमारा दायित्व है कि इन शहरों को वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए तैयार किए जाए। और ये भी सही है कि हमें सूरत को भविष्य के लिए तैयार करने का मतलब यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां की व्यवस्थाएं, यहां की शिक्षा, यहां का आरोग्य, ये सब तो है ही है, यहां के मानवीय के मन को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। और इसी सोच के साथ देश भर में हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक के बाद प्रोजेक्ट हम लगाए चले जा रहे हैं। सूरत का ये एयरपोर्ट अभी गुजरात का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट यानी व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। आज से नए टर्मिनल का जो काम शुरू हुआ है, जब ये पूरा हो जाएगा तब यहां पर 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर को मैनेज करने की क्षमता तैयार होगी। इसका मतलब यह है कि एक दिन में 1800 यात्रियों को यह एयरपोर्ट हैंडल कर पाएगा। सूरत एयरपोर्ट की क्षमता भी सालाना 4 लाख यात्री की है। जिस प्रकार के विस्तारीकरण का काम यहां हो रहा है, उसके बाद भविष्य में एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर के 4 लाख से 26 लाख यात्री से ज्यादा हो जाएगी। पैसेंजर के अलावा यहां के कार्गो कैपेसिटी भी बढ़ाने वाले हैं। यानी आने वाले समय में आप सभी को अपने व्यापार कारोबार के लिए देश विदेश में सुविधा होगी। बाहर से भी बिजनेस के लिए जो यहां व्यापारी आते हैं, उनके समय की भी बचत होगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि कुछ ही दिनों में यहां से
शारजहां के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। शुरुआत में ये सुविधा सप्ताह में दो दिन होगी, लेकिन मार्च से इसको सप्ताह में चार दिन किया जाना है। इस फ्लाइट से आप सभी को व्यापार की दृष्टि से भी बहुत मदद मिलने वाली है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरकार हवाई कनेक्टिविटी से पूरे देश को जोड़ने में जुटी है और इसके लिए बीते तीन चार वर्षों में तेज गति से काम किया गया है और इसी का परिणाम है कि 17 एयरपोर्ट्स को अपग्रेड एक्सपेंड किया जा चुका है और अनेक एयरपोर्ट में काम तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले चार वर्षों में देश भर के 50 ऐसे एयरपोर्ट्स को विकसित किया जाए जो या तो अभी सेवा में नहीं है या फिर बहुत कम उपयोग में लाए जा रहे हैं। साथियों, मेरा ये सपना, और ये सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके, इसके लिए ही उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना शुरू की गई। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उड़ान ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में शामिल करने में बड़ी मदद की है। उड़ान योजना से देश के एविएशन सेक्टर में 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई है। इस योजना के तहत देश भर में करीब 40 एयरपोर्ट देश के एविएशन मैप में जोड़े गए हैं। गुजरात में भी 4 रूट्स, पोरबंदर मुंबई, कांडला अहमदाबाद, केशोद अहमदाबाद और पोरबंदर अहमदाबाद को उड़ान 1 और उड़ान 2 के तहत कनेक्ट किया गया है। अब उड़ान 3 के जरिए भविष्य में सूरत सहित गुजरात के लगभग 1 दर्जन छोटे और बड़े एयरपोर्ट को देश के अलग अलग शहरों से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे वाटर ड्रॉम्स या वाटर एयरपोर्ट की संभावना वाले क्षेत्र भी शामिल है। जो लोग भावनगर जाना चाहते हैं, पालीतना जी जाना चाहते हैं, तीर्थयात्रा करना चाहते हैं, वो सी प्लेन से, शत्रुंजय डैम से होकर के आसानी से पहुंच पाएंगे। यानी भविष्य में साबरमती रिवर फ्रंट से उड़कर विमान सरदार सरोवर डैम के पानी में उतरे, इसी तरह की परियोजना पर विचार हो रहा है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि पासपोर्ट के लिए लोगों को बड़े शहरों के चक्कर न लगाने पड़े। साल 2014 में देश में पासपोर्ट केंद्रों की कुल संख्या करीब 80 थी। सूरत के लोग याद रखेंगे, हमारे इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या आजादी के 60-65 साल के दरमियान हमारे देश में पासपोर्ट देने वाली ऑफिस 80 थी। कितनी? आपने गुजराती में बोलो केटली? 80। आपको खुशी होगी कि पिछले 4 साल में जो हमने अभियान चलाया वो आंकड़ा अब 400 पार कर चुका है। कहां 80 और कहां 400? बड़ा सोचना, ज्यादा करना, अच्छे ढंग से करना, समय पे करना। और गुजरात वाले तो जानते हैं मुझे। इसके अलावा एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप जैसे माध्यम से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना आसान हुआ है। ज्यादा संख्या में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने और पासपोर्ट नियमों को
सरल करने के कारण दूरी में और देरी दोनों में बहुत कमी आई है। साथियों, केंद्र सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बनाने में पूरी ईमानदारी से जुटी हुई है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर साफ सुथरे रहे, ट्रैफिक जाम की समस्या न रहे, पानी और सीवर से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सुरक्षा का एहसास मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो। ये सारी व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के माध्यम से साकार की जा रही है। एक फोकस अप्रोच के साथ मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। साथियों, आज यहां जिन दर्जनों प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है वो हमारे इस अभियान को और गति देने वाले हैं। इसमें सीवर, पानी, फ्लाईओवर, सड़क, शिक्षा से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों घरों का भी आज यहां उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये सारे घर सूरत के गरीब बहन भाइयों के जीवन को समृद्ध करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, बीते 4.5 वर्षों में शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों के लिए 13 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। 37 लाख घरों पर काम चल रहा है और शहरों में नए 70 लाख नए और बनाने के लिए सरकार स्वीकृति दे चुकी है। इसी तरह देश के ग्रामीण इलाकों में भी साल 2014 के बाद से 1.30 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। वो उस घर में रहने के लिए चले गए हैं। ये दिवाली भी उन्होंने अपने घर में मनाई। ये संख्या अपने आप में कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहले की सरकार ने, और ये आंकड़ा भी जरा सूरत के लोग याद रखें, उनके कार्यकाल में 25 लाख घर बनवाए थे। कितने कितने 25 लाख कितने जरा बताइए ना, कितने 25 लाख घर बनवाए थे। गरीब को अपने बेघर भाई बहनों को पक्की छत मिले, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.30 करोड़ मकान बना दिए। 1.30 करोड़ उनके कालखंड में कहां 25 लाख और हमारे 4 साल में कहां 1.30 करोड़। अगर मैं जितना काम कर रहा हूं उतना उनको करना होता तो और 25 साल लग जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी सरकार ने पहली बार मध्यम वर्ग के लिए भी, और मैं सूरत और शहरों के लोगों से आग्रह करूंगा कि इस बात को समझें, कितनी बड़ी मदद आपको हो सकती है, इसका फायदा उठाइए आप। पहली बार हमारे देश में ये योजना हमारी सरकार बनने से पहले नहीं थी। अगर मध्यम वर्ग का परिवार का व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है, बच्चे बड़े हुए हैं, नया घर लेना चाहता है, कोई व्यवस्था नहीं थी, मध्यम वर्ग को उसके नसीब पर छोड़ दिया गया था। हमने आकर के पहली बार मध्यम वर्ग के लिए भी घरों की एक नई कैटेगरी बनाकर उसे ब्याज में राहत का अभियान चलाया हुआ है। और इससे फायदा क्या होता है, एक अनुमान के तहत अगर मध्यम वर्ग का व्यक्ति 20 लाख रुपए का लोन लेता है और उस 20 लाख रुपए के लोन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
मकान बनाने जाता है तो उसके ब्याज में कटौती की जाएगी और उसका परिणाम ही आएगा कि जब पूरे मकान के पैसे बैंक को वापस देगा तब तक करीब करीब 6 लाख रुपए की बचत हो रही है उसको। यानी मध्यम वर्ग के परिवार को एक घर बनाने में 6 लाख रुपए की बचत। हिंदुस्तान में इतनी सरकारें आकर के गई, न किसी सरकार ने सोचा था न किसी सरकार ने किया था। ये हमारे में दम है कि भारत के बढ़ते जाते मध्यम वर्गीय परिवारों की हम चिंता करते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा लाभ मध्यम वर्ग के उन युवाओं को मिला है जो कैरियर की शुरुआती वर्षों में ही अपना घर खरीदने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। उन्हें ये सवाल उन युवाओं से भी पूछना चाहिए जिन्हें नोटबंदी के बाद कम हुई घरों की कीमतों का लाभ मिलना शुरू हुआ है। उस गरीब और मध्यम वर्ग से सवाल पूछना चाहिए जिसका घर का सपना अब साकार होना संभव हुआ है। वरना नोटबंदी से पहले किस तरह रियल एस्टेट सेक्टर में काला धन हावी था और सूरत वालों को तो इसका भली भांति पता है। बड़े बड़े दिग्गजों के नाम जानते हैं आप। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाकर ये भी सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की कमाई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसनी नहीं चाहिए। रेरा कानून के तहत 30-35 हजार बिल्डरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और तय नियम के मुताबिक लाखों घरों का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, अब सरकार में और जब सरकार में इच्छा शक्ति हो तो कैसे परिवर्तन आता है, इसका एक उदाहरण एलईडी बल्ब भी है। पहले जो एलईडी बल्ब 350 रुपये तक में मिलता था, अब उसे 40-50 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आप मुझे मत पूछना कि 40-50 का बल्ब 350 में बिकता था तो बीच वाले पैसे कहां जाते थे, वो मुझे मत पूछना। उसका जवाब राजीव गांधी दे करके गए हैं। उन्होंने कहा हुआ है 1 रुपया जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा कौन सा पंजा खाता था वो सारी दुनिया जानती है। बीते 4.5 साल में सरकार ने 32 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। इस वजह से लोगों के बिजली बिल में सालाना करीब करीब 16,500 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। ये पैसा ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवारों में बचा है। इसी तरह हमारी सरकार की मुद्रा योजना ने भी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। पहले युवा अगर अपना रोजगार करने के बारे में सोचता था तो उसे बैंक से कर्ज लेते समय गारंटी की समस्या आती थी। हमारी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोन बिना बैंक गारंटी दे चुकी है। आप सोचिए, इसके तहत लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बिना बैंक गारंटी 7 लाख करोड़ रुपये का सरकार से की तरफ से दिया गया है। इनमें से 4.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार कर्ज लिया है। यानी बीते 4.5 साल में देश को 4.25 करोड़ नए उद्यमी भी मिले हैं। भाइयों और बहनों, इन व्यापक योजनाओं और बड़े फैसलों के पीछे सबसे बड़ी वजह है
आपका एक एक वोट की ताकत से बनी पूर्ण बहुमत की सरकार। आपको लगता होगा अभी जब मैं मकान की चाबी दे रहा था, आपको लगता होगा ये मकान मोदी दे रहा है, किसी को लगता होगा ये मकान भारत सरकार दे रही है। जी नहीं, ये मकान न मोदी दे रहा है न भारत सरकार दे रही है, ये मकान आप दे रहे हैं। ये आपके एक वोट की ताकत है कि गरीब को घर मिला है, ये आपके वोट की महत्ता है जो गरीब को घर देने की व्यवस्था देता है। और इसलिए ये जो बदलाव आप देख रहे हैं वो बदलाव आपके वोट की ताकत के कारण है, मोदी की ताकत के कारण नहीं है। भाइयों बहनों, आपको मालूम है 30 साल तक हमारे देश में अस्थिरता का दौर रहा, त्रिशंकु पार्लियामेंट बनी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जोड़ तोड़ करके सरकारें चलाई गई, जिसका मर्जी पड़े उस तरफ खींचता चला गया, देश वहीं का वहीं अटक गया और कुछ बातों में पीछे चला गया। पिछले 4-4.5 साल से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण है देश की जनता ने समझदारी से वोट डाला और त्रिशंकु की 30 साल पुरानी बीमारी से देश को मुक्त कर दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। और नई पीढ़ी देख सकती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार कड़े फैसले भी ले सकती है, बड़े फैसले भी ले सकती है, हिम्मत के साथ देश को आगे बढ़ा सकती है, और ये काम हमने किया। पूर्ण बहुमत की सरकार का ये महात्म्य है। पूर्ण बहुमत की सरकार जवाबदेह भी होती है। आज कोई भी मुझे पूछ सकता है, बताओ मोदी जी 4.5 साल में क्या किया। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार ना होती तो मोदी आराम से कह देता, अरे क्या करे भाई, वो मिलीजुली सरकार है, कुछ फैसले करना बड़ा मुश्किल होता है, चल जाती गाड़ी। लेकिन नहीं, देश की जनता ने पूर्ण बहुमत का फैसला करके दुनिया में देश का नाम बढ़ाया है। और इसलिए एक एक मतदाता अपने वोट की जब ताकत समझता है, देश को आगे बढ़ाने में उसकी भागीदारी देखता है, तो देश कैसे बढ़ रहा है वो 4-4.5 साल में हमने देखा है। अब याद करिए, सरकारें कैसे चलती थी मुझे बताइए। आज सूरत एयरपोर्ट पर 70-72 हवाई जहाज की चल रही है। हमें अभी सीआर पाटिल बता रहे थे कि 70-72 जहाज आते जाते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये भूल सकते हैं कि किस प्रकार से यहां एयरपोर्ट के लिए आंदोलन करने पड़ते थे, मेमोरेंडम देने पड़ते थे, दिल्ली सरकार तक दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। मैं भी उस समय की दिल्ली की सरकार को मुख्यमंत्री के नाते चिट्ठियां लिख लिख करके थक गया था, लेकिन उनके दिमाग में कोई राजनीतिक बद इरादा था कि सूरत को यह सुविधा नहीं दी जाती थी।
रोड़े अटकाए जाते थे। मैं उनको समझाता था सूरत में ताकत है, एयरलाइंस को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। सुनने को तैयार नहीं थे। आप मुझे बताइए, 4 लाख पैसेंजर से 26 लाख पैसेंजर की क्षमता करने की नौबत आ गई, ये कितनी ताकत थी जो हमें दिखता था उनको नहीं दिखता था, सूरत वालों को दिखता था उनको नहीं दिखता था, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले लोग। साथियों, एक तरफ हम पूरी शक्ति से पुरानी व्यवस्था की कमियों को बदलने में जुटे हैं, नया भारत बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे इन प्रयासों की मजाक उड़ाते रहते हैं। वो लोग जिन्होंने बीते 6-7 दशक में देश की सुध नहीं ली, सिर्फ अपनी चिंता की, वो बदलते हुए इस भारत को देख नहीं पा रहे। ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों की परवाह किए बिना हम आगे बढ़ने वाले हैं। नए भारत की नई ऊर्जा को हम विकास में ही लगाने वाले हैं। मैं फिर एक बार आप सभी को जीवन और कारोबार को आसान करने वाली इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।